तो अभी मैं चल के जा रही हूँ, देखती हूँ क्या हुआ है। वो लाइनअप देखो जरा। तो अभी ऑलमोस्ट 9 घंटे बाद हम चलना शुरू कर रहे हैं। आराम से, एकदम से रेस नहीं देनी, जाने दो मैनुअल कर लो यार इसे। पंजाबी ट्रकर कपल दी नवी वीडियोस ले सब्सक्राइब करो ते बेल आइकन दबाना ना भूलो। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी? और जैसे कि आपको पता है कि विंटर्स में बहुत सारे देशों में स्नो पड़ती है, तो स्नो में कभी कभी एडवेंचरस होता है और कभी कभी ऐसे लाइनों में खड़े भी होना पड़ता है। तो मेरी शिफ्ट अभी शुरू हुई थी, अभी आप देख सकते हो मेरी साइड पे पंप का बोर्ड भी यहीं पे, पंप से बाहर ही निकली थी और ट्रैफिक पूरी लगी हुई है। और पंप कह रहा है बेचारा थैंक यू ड्राइव सेफली, बट लगता है इन्होंने यहीं पे ही कुछ कर लिया है निकलते निकलते ही, और वहां पे देखो रश लग गया है। पता नहीं क्या हुआ है, मतलब ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, हम यहाँ पे हैं, ये हमने हाईवे चढ़ना, यहीं पे इन्होंने रश लगा दिया। अभी पता नहीं उधर से आने वालों ने कुछ कर दिया या यहाँ से जाने वालों ने कुछ कर दिया। तो ये फ्लाइंग जे वाले ने तो सोचा कि चलो बैक ही चलता हूँ फिर मैं, ये तो मुझे लग रहा है ऐसे ही पंप के अंदर फिर से चला जाएगा ना? अभी निकला ही होगा या मुझे लगता है तेल डालने आया था, अभी तेल डाल के निकला होगा। पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे रुक जाएगा, तो दूसरा फिर बैक कर रहा है। कुछ हुआ है यार आगे, मुझे लगता वो ट्रक वाले अड़ गए हैं आपस में, वो एक और उतरा नीचे अभी, कहीं लड़ तो नहीं रहे कि तू पीछे कर। लेकिन जे वाइट क्यों खड़ा है, जे नहीं समझ लग रही, वो वाइट वाला, वो ब्लू ट्रक के आगे एक वाइट है, फिर उसके सामने जो खड़ा इधर, हाँ दो ट्रक के बीच में दिख रहा है वो वाइट है, वो क्यों खड़े है फिर जे नहीं मालूम कुछ होता तो क्या कर रहे हैं जी। फ्लाइंग जे वाला पहुंच चला है, पीछे भी लाइन लग गई पाल जी, ओ अंदर तक लाइन लग गई, पंप तक लाइन लग गई। अभी जो तो पार्किंग में है वो तो वहीं रहेंगे, उनको पता चल गया, पर मुझे पता नहीं चला क्योंकि मेरे आगे ये सारे 3 ट्रक ना आराम से निकले हैं, मैं भी आराम से बाहर आई हूँ, तो मुझे लगा कि धीरे धीरे हाईवे चढ़ रहे हैं क्योंकि स्नो है, बट वो तो पता चला बाद में कि वो तो खड़े हैं। मेन मुद्दा है तुम्हारी बुक भी स्टार्ट कर ली हमने, वही तो, यही से तो शिफ्ट शुरू हुई, अभी 1 मिनट मेरी ड्राइव का हुआ। कहाँ कहाँ तक स्नो है, आगे तो कहीं भी नहीं दिखा रहा स्नो, आपने देखा था? नहीं, वो दूसरे ड्राइवर से पूछता हूँ मैं 1 मिनट। हाँ उससे पूछो जरा आगे कहाँ तक स्नो है, क्योंकि आगे फ्लैग स्टाफ आने वाला है, वहाँ पर तो बिल्कुल भी स्नो नहीं है। चलो पूछता हूँ। तो ये अच्छे भी लग गया आगे। नहीं ना ना ना, नोबडी बिहाइंड, नो नो। तो हम आराम से खड़े देखो अपनी लाइन में, और ये पता नहीं 2 ट्रकों को क्या हुआ, ये एक तो गिल्टनर वाला आके सामने वाली ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहा है, और ऊपर से ये महाजन आ गए हैं ऐसे लगा लिया, शुक्र है पीछे वाले से आने हैं, कुछ कोई इधर नहीं आगे लगा। वो बंदा पूछे ये दोनों ये चौधरी बनने लगे, ये लेन जाने की है वो लेन आने की, अगर तुम इधर लगोगे सामने की ट्रैफिक निकलेगी कहाँ से, और फिर तुम किधर से निकलोगे, सभी तरफ को ब्लॉक कर रहे हो। और वो देखो भी वो गाड़ी कैसे प्रॉब्लम से निकल रही है ना, अगर यहाँ से सामने वाली ट्रैफिक में से ट्रक को निकलना हो तो इतनी स्नो में दिख भी नहीं रहा डिच कहाँ पर है, रोड कहाँ पर है। इसको मैंने बोला, मैंने कहा जा रहे हो आगे, मैं यू आर ब्लॉकिंग इनकमिंग ट्रैफिक है ना, वो ऐसे ही फिर करते हैं ना बिहेवियर, कि मालूम ही नहीं मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं क्या हो गया। ट्रक लेके निकले तुमको ये नहीं पता कि सामने वाली लेन आने की होती है, यहाँ पर दिख रही है तुमको कहीं डिवाइडेड रोड है, ये वही तो पता नहीं कौन सा ये श्नाइडर वाला है। और मेन मुद्दा हमारा व्यू ब्लॉक कर दिया, अभी मैंने पुलिस को फोन किया था, उनको बोला कि ना मतलब ऐसे ऐसे ये एग्जिट ब्लॉक हो गया है और हाईवे ठीक चल रहा है, ना कोई एग्जिट मतलब ना कोई हाईवे चढ़ रहा है ना कोई उतर रहा है हाईवे से, तो मतलब क्या चल रहा है। वो कहता मुझे खुद नहीं पता, कहता मैं पेट्रोल को फोन करता हूँ, उनको पूछता हूँ और बोलता हूँ कि वहाँ पे जाके देख के आए, तो मैंने उनको बोला कि अभी एक और गाड़ी निकलना चाह रही है वहां से, तो कहते मैं बोलता हूँ चेक करता हूँ, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो बता देना, नहीं तो फिर मैं भेजता हूँ किसी को। तो मैंने कहा हाँ देखो अभी क्या हुआ आगे, अभी क्योंकि पुलिस की कोई लाइट्स तो दिख नहीं रही, ना कोई दिख रहा है कि पुलिस वाला आया है, नहीं तो उन्होंने आके देख लेना था। मुझे लग रहा है जहां तक कि एग्जिट पे एंटर होते वक्त या एग्जिट होते वक्त ना किसी ने ट्रक घुमा दिया पाल जी। देखो मैं कहता हूँ फ्लाइंग जे को भी फोन लगाए, उनको भी कहे कि आप देखो कोई निकल नहीं पा रहा ना भी आ पा रहा है, वो क्या करेंगे, मे भी अपने बंदे भेजेंगे वो गाड़ी पे देखे, मैं भी लगा के देख लो। और वो उधर जो उधर से निकल रहे थे
वो वहां भी ट्रैफिक लगने लग गई है, वो दो ट्रक खड़े हैं उधर भी अब, है ना यार। चंगा भला टाइम खराब, आधा घंटा हो गया मैं खड़े हुए यहाँ पे। हाँ शिफ्ट भी नहीं शुरू हुई, मेरी ब्रेक पहले ही हो गई। शिट क्या करें। तो अभी मैं चल के जा रही हूँ, देखती हूँ क्या हुआ है। वो लाइनअप देखो जरा, ये दो बंदे खड़े, इनको पूछती हूँ क्या हुआ। तो ये ट्रक स्टक हो गए हैं क्योंकि ब्लैक आइस है और ऊपर को चढ़ नहीं पा रहे, तो वो पीछे को आ रहे थे और इसकी वजह से वो स्टक हो गए हैं दोनों, कोई भी मूव नहीं हो पा रहा। लेट्स सी, बहुत ट्रैफिक लग गई है, मुझे नहीं लगता हम निकल पाएंगे। कैसा क्या हुआ है? तो ब्लैक आइस है और यहाँ पे ऐसे पता नहीं चल रहा, बट शूज में जैसे पूरी वो होती है ना स्टक हो जाती है, वैसी वाली है। और दो ट्रक बस स्टक होके बैठे हैं, पहले तो वो पीछे को मूव हो रहा था, अभी तो बस स्टक होके बैठे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अभी उनको या तो कोई टो करे आके, तो पुलिस को फोन करो, वो ना फोर्सफुली टो मंगाएंगे, इन्होंने मंगवानी नहीं टो, जो तो बैठे रहेंगे ऐसे ही, है ना। हाँ वो टो फिर आएगी, आएगी किधर से, चलो जहीं से जहाँ से मर्जी आए, वो तो उनकी टेंशन है, वो तो लाओ मैं फोन करती हूँ। तो इसको पता नहीं क्या हो गया, पहले तो अच्छा वाला साइड पे करके खड़ा था और अभी दोनों जने उतर के कुछ देखने लग गए कि इनका खराब तो नहीं हो गया कुछ। तो लो भी इन्होंने तो निकाल ली है चेन्स, उन्होंने सोचा होगा कि जब तक पुलिस आके मूव करवाती है हम चेन्स डाल लें। इतनी बड़ी मतलब ढलान थी नहीं जितना इन्होंने कर दिया है ना, दो ट्रकों ने काम खराब। लेट्स सी। तो स्टिल लाइन अप ऐसे ही है, बट एक अच्छी बात है कि पुलिस वाले आ गए हैं, तो टो वाला तो कोई नहीं दिख रहा, ट्रक वैसे ही खड़े हैं, सिर्फ एक पुलिस की गाड़ी एक्स्ट्रा दिख रही है और वो पीछे स्टिल ट्रैफिक वैसी की वैसी है। ये सारे लोग तो साइड पे लगा के सो ही गए हैं और ये इधर भी लाइन अप लग गया गाड़ियों का। पीछे जो ट्रक खड़े थे वो तो सारे बैक करके दोबारा से हाई अंदर चले गए पंप के, और बाहर ठंड बहुत है, मैंने नीचे पैर मार के चेक किया है, सी कैसे बिल्कुल सीधी स्ट्रेट मतलब होती है ना जैसे स्लिपरी टाइप वैसे हो रही है। तो देखते हैं कब तक तो होता है, फिर मैं ट्रक में जाके बैठ। ट्रैफिक हो गई है साफ और ट्रक्स आना शुरू हो गए हैं, बट हमें क्यों नहीं जाने दे रहे ये, लेट्स सी। पुलिस वाला तो वहीं है, देख सकते हो अभी भी ट्रक्स आ रहे हैं उस साइड से। ओह माय गॉड लुक एट द रोड, और ये जो है ना एगो वाला ये ज्यादा शान पट्टी कर रहा था, मतलब जैसे ये ट्रक के जा रहा है ना यहां से निकाल के लेके गया है वो कि मैं ज्यादा आगे निकल जाऊंगा, और वो आगे जाके उसके पीछे वाले टायर फंस गए। तो अभी पहले वो मूव होने की कोशिश कर रहा था, मैंने देखा उससे मूव ही नहीं हुआ जा रहा, और अभी एक और ट्रक आया उधर से, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा अभी क्या हुआ, क्या है आगे क्यों नहीं मूव करने दे रहे हैं ना, तो कहता हम नीचे को आ सकते हैं क्योंकि थोड़ी ढलान है, बट आप ऊपर को नहीं चढ़ सकते क्योंकि वो वहां पे ट्रक स्टक हो रहे हैं, और सिर्फ एक पिकअप ट्रक है, जैसे उन्होंने पीछे ट्रेलर नहीं डाला होता हमारी तरह जो गाड़ी की तरह होता है, वो जैक नाइफ हो गया है। पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अरे यार जो एक ट्रक वो पिकअप ट्रक फंसा था वो ठीक से निकल नहीं पाया, और दो तीन ट्रक उन्होंने और फंसा लिए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। पता भी है कि इतनी स्नो है आइस है, बट स्टिल ऑलमोस्ट 4.5-3 घंटे हो गए मुझे वेट करते हुए, मुझे नहीं लग रहा भी आज की रात निकलेंगे यहाँ से। तो 7.5 घंटे हो गए यहीं पे बैठे हैं हम, और उधर वाली ट्रैफिक स्टिल आ जा रही है और हमें कोई जाना ही नहीं दे रहा यहाँ से। स्नो वाला भी आया था, उसने काफी सारी स्नो साफ कर दी, देखो स्नो प्लो वाला आया था तो बहुत हद तक रोड साफ कर दिया है, बट स्टिल
ये ट्रक की थी मूव हो रहे, पता नहीं क्या पीछे फंसा लिया मुझे लगता है इन्होंने भी। तो अभी ऑलमोस्ट 9 घंटे बाद हम चलना शुरू कर रहे हैं और ये आवाज आ रही है इंटरएक्सल की। तो ये मैंने मतलब जो ट्रक के पीछे वाले टायर है ना वो सारे घूमेंगे, लाइक 4x4 हो गया एक हिसाब से। और आई थिंक ड्राइवर था अच्छा था, वो आके मेरे को और सभी ड्राइवर्स को बोल के गया कि अभी ना हम मूव होने वाले हैं तो स्नो थोड़ा इधर रखो, राइट साइड रखो थोड़ा। हाँ, तो वो बोल के गया कि अभी हम मूव होने वाले हैं, रैंप क्लियर है और स्नो भी स्नो वाला साफ करके आए, कहता सॉल्ट भी डाल दिया है, इट्स ऑल सॉल्टेड, कहता बस कहता जब तक आप रैंप नहीं चढ़ते हाईवे नहीं चढ़ते कहता स्नो रखना। तो अच्छा था वो बता के गया कि चलो अभी शुक्र है मूव होने लगे हैं फाइनली। 9 घंटे हो गए हमें यहाँ पे। हाँ जी 8 घंटे 41 मिनट। वाह, वो बेचारे उधर वाले भी खड़े हैं, वो सामने वो तो निकल रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो पंप में जाना है ना। अभी अभी स्नो साफ हुई है तो मैं सोच ही नहीं थी कि हम निकल सकते हैं, बट उसके पहले ही ये जाम लग गया। पाल जी आगे आप हमेशा मेरे को कहते हो ना कि आपने ये मैनिफेस्ट किया, ये किया, ये किया, पर ये ना आज आपकी वजह से हुआ है। वो कैसे? आप ही तो आज सोच रहे थे कि बड़ा टाइम हो गया ऐसे रोड नहीं बंद हुआ, हम स्टक नहीं हुए रोड पे। लो, हो गए, देख लो। पर मैं ऐसे नहीं चाहता था, मैं चाहता बाहर स्नो पड़ रही हो, हम अंदर बैठे हो। पड़ रही थी स्नो पाल जी, मैं बैठी थी यहाँ पे सीट पे, आप तो सो रहे थे। मतलब सारा पंप भरा हो, हम अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, कभी कुछ खाने जा रहे हैं, कुछ लेने जा रहे हैं, ऐसे कोई बात है, गरीबों की बंदा भगवान मारता है। और मैं तो बहुत कुछ सोचता हूँ, लॉटरी लग जाए, लॉटरी डाल के आया हूँ, लॉटरी लग जाए, ये लग जाए, वो नहीं सुनता भगवान, ये चीज सुन ली मेरी। मेला तो पूरा लगा हुआ था यहाँ पे, कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, हमारे आगे जो टेढ़ा करके खड़ा था ना ट्रक, उसने पता नहीं किस हिसाब से बैक कर लिया, जब उसने बैक किया तब मेरी आँख खुली, मैं यहीं पे सीट पे बैठी बैठी सो गई थी। जिसने चेन्स डाली थी हाँ, वो क्या करे, चला गया बैक, वो वापस पंप पे चला गया। मुझे सपना आया कि हम ऐसे ही फंसे हुए हैं कहीं पे, तो जब ट्रैफिक खुला तो हम जा रहे हैं साइकिल पे। अच्छा? हाँ, ऐसे पहाड़ी साइकिल पे चढ़ रहे हैं। मुझे भी सपना आया। सुनो पहले सुनो। हाँ। और हमारे पीछे ट्रक वाला आ रहा बड़ी तेज। हाँ। और उसने देखा नहीं कि जो हम है, हम तो चढ़ गए उधर से जो साइकिल वाला एरिया है। हाँ। गाड़ी वाला एरिया ऐसे जा रहा है, साइकिल वाला एरिया ऐसे है, जो साइकिल वाला एरिया है। हाँ। वहाँ पे थोड़ी सी ना वो बन्नी सी बनी हुई है ऊंची सी। हाँ। उसने देखा नहीं और सीधा लेके आया और सीधा उसने उसके बीच में मारा बन्नी में और अपना ट्रक डैमेज कर लिया। अच्छा। ओ शिट, मुझे लग रहा नहीं चढ़ रहा, वो धुआं निकल, धुआं टायरों में से निकल रहा है, है। वो खड़ा है ट्रक, क्योंकि आगे एक ट्रक हमारी साइड पे खड़ा है। ओ ठीक है, इसलिए वो खड़ा है, हम नहीं जा सकते। नहीं टायरों में से नहीं, मुझे लगता वो अभी इंजन में से है। हाँ, दोस्त भी नीचे लगा दिए ना कई ट्रकों के, वो तो कब का खड़ा है। ओ ठीक है, आपको क्या सपना यार? मुझे सब, जब मैं पीछे नहीं आई थी आपके पास, यहाँ ठंड होने लगी थी क्योंकि इसको बंद करते थोड़ा टाइम, तो जब मैं पीछे थी ना आपके पास जी, तब मुझे थोड़ी सी नींद आई, सपना आया कि पंप के बीच में और हाईवे के बीच में जी, यहाँ पे इन्होंने पूरे वो बैरिकेड्स लगा दिए हैं कि अभी यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा और पंप हाईवे से कोई पंप में नहीं आएगा। मुझे इस तरह का सपना आया, फिर मेरी आंख खुली, मैंने वो पर्दा खोल के देखा कि क्या चल रहा है बाहर। वो उस ट्रक को बैक करवाए, ले दिखाऊं, इतना ज्यादा नहीं आया फिर मेरे वाला। अच्छा सपना दिख रहा है मुझे, वो बैक जा रहा है, वो बैक करवा रहा है। मुझे ये नहीं समझ लग रही पुलिस वाले ने किया क्या आके, वो रैंप चढ़ रहे थे। हाँ। जब मैं पहले उठी ना 20-25 मिनट पहले, तो पुलिस वाला स्टिल था, स्नो वाला आ गया था, वो इधर आवाज आ रही थी हमारे ट्रक के पास, साफ सफाई कर रहा था वो। हाँ। और उसके बाद फिर जब दोबारा उठी मैं, तो मुझे आगे कोई दिखा ही नहीं कि जैसे कुछ ब्लॉक दो, तो इधर दो ट्रक थे, मुझे था ये मूव होंगे तो हम भी मूव होंगे, आगे वाला मूव हुआ थोड़ा सा, वो चले 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 चले,
यहाँ तो पूरा सॉल्ट वगैरह डाल दिया, साफ हो गया बिल्कुल, है ना। हाँ। पानी 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 हो गया, मुझे लगा इसी चीज की वेट कर रहे थे मुझे लगता है। और फिर तो वो वहाँ पे है थोड़ा चक्कर मुझे लग रहा है। चलो वो पुलिस वाला भी खड़ा है आगे। हाँ। पीछे भी गया है। पंप की एंट्री पे भी कुछ इन्होंने मुझे लगता है ठोक दिया है, क्योंकि ये कब के खड़े हैं, आधा पौना घंटा हो गया इनको भी। यहाँ से थोड़ा तेज कर लूँ ना। हाँ हाँ पानी पानी बन गया है। हाँ पानी है, वॉशिंग सॉल्ट डाल के गया है काफी। हाईवे पे भी ट्रैफिक हो गई थी बहुत ज्यादा आगे गैलप में, मतलब यहाँ से जो गैलप को रास्ता जाता है ना उसके हाँ। बीच में कुछ हो गया था। ओ शिट, ये देखो इसने मार लिया है। ओ ओ शिट, चलो 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 जाने दो जाने दो जाने दो। ओ शिट शिट, आराम से एकदम से रेस नहीं देनी, जाने दो जाने दो, मैनुअल कर लो यार इसे। नहीं नहीं ठीक है जा रहा है जा रहा है। रुक ये क्या कर रहा है सामने वाले। चलो 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 तुम भी चलो तुम भी चलो घुमाओ चलो। हाँ हाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं धीरे कर रही हूँ। थोड़ा लंबा कट रखना। हाँ 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 जाने दो अभी सीधा उधर को। शुक्र है भाई शुक्र है, शुक्र निकले यहाँ शुक्र है। चलो उसे बंद कर दो अभी। कर दो बंद। हाँ थोड़ा स्लो रखो स्लो रखो, बंद कर दो। हो शुक्र है। इसे ना ही जब ज्यादा तेज हो ट्रक ना ही लगाने हैं एक्सल। हाँ। नहीं तो एक्सल टूटने का डर है ना ही, ऐसे लोग भी नहीं खोलना ज्यादा तेज पे। वो मुझे लगता आगे हो गया है कुछ यार। नहीं यहाँ पे ट्रैफिक बड़े टाइम से स्लो है। वो भी मुझे लगता है थोड़ा सा पार्ट खराब होगा फिर हाईवे का, इसलिए स्लो तो कब की हट गई है। पॉजिटिव टेम्परेचर था अभी हुआ है फिर से दोबारा नेगेटिव। ये देखो मेन सड़क तो साफ है पर स्टिल मैं थोड़ा सा ना स्लो रखती हूँ। आराम से चलो थोड़ा सा साफ लग जाए।